हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं बल्कि 10 नए हॉरर गेम्स की बातें करने वाले हैं। ऐसे हॉरर गेम्स जिनके अंदर एक अच्छी स्टोरी आपको देखने के लिए मिले, जो आपको पकड़ करके रखे, ग्राफिक्स बड़ी ही कमाल की हो, एक से बढ़कर एक यूनिक गेम्स देखने के लिए मिलेंगे। अब ज्यादा हाइप अप नहीं करता, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो करिएगा लाइक, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने रहने के लिए इस फैमिली के साथ में जुड़ जाइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मेरे भाइयों, वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड बात करते हैं फर्स्ट गेम की, जो निकल करके आता है डरावनी गुड़िया डर है घर के अंदर, यानी कि स्केरी डॉल हॉरर इन द हाउस। इस गेम के अंदर आप लोग किरदार निभाएंगे एक पिता का, जिसको अपनी बेटी को बचाना है। उसके लिए आप लोगों को ढेर सारे पजल्स को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप लोग घर के अंदर और बाहर कहीं पर भी जा सकते हैं। गेम आप लोगों को पूरे तरीके से ओपन वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाएगा। लोकेशंस भी बार बार अधिकांश चेंज होती रहेंगी। जितने भी रिव्यू मैंने इस गेम के पढ़े हैं, सभी में एक बात लिखी है कि इस गेम के अंदर बहुत अच्छे सिनेमैटिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और जो इसकी एंडिंग है वो बड़ी ही कमाल की है। और अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मेरी तरफ से भी एक ओपिनियन है, ये गेम आप लोगों को जबरदस्ती का अंधेरा और डार्क चीजें इसमें कुछ दिखे ना, ऐसा नहीं करता है। आप लोगों को असलियत में डराने की कोशिश करता है, और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी है। बात करो साइज की तो वो है 97 MB और गेम ऑफलाइन है। और वीडियो का जो सेकंड गेम निकल करके आता है वो बड़ी ही पॉपुलर चीज के ऊपर है, क्या है आगे बताता हूँ। फिलहाल बात करते हैं गेम के नाम की, जो निकल करके आता है स्क्विड स्केरी गेम रेड लाइट। अब आधे से ज्यादा लोग तो अभी से समझ गए होंगे जब उन्होंने रेड लाइट का नाम सुना होगा। जी हाँ मेरे भाइयों, स्क्विड गेम की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल सभी लोग बस इसी वेब सीरीज के बारे में चर्चा करते रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। मुझे भी यह सीरीज काफी पसंद आई थी, और उसी के एक बड़े ही पॉपुलर गेम से जो कैरेक्टर था वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट वो इस बार आपको रेड लाइट और ग्रीन लाइट नहीं खिलवाएगा, बल्कि डराने वाला है। तो क्या फिर हो जाओ तैयार, पूरी कोशिश करो कि कहीं उसके हाथों में ना जाओ। बात करो गेम के साइज की तो वो है 56 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। चलिए फिर लगे हैं तो बात करते हैं वीडियो के थर्ड गेम की, जो निकल करके आएगा सिरिन हेड। अब आप कहेंगे फिर से सिरिन हेड? जी हाँ, एक और बिल्कुल नया गेम आ चुका है सिरिन हेड के नाम से, हॉरर गेम इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर भी आप लोगों को बचना है, पूरी कोशिश करनी है कि यहाँ से आप लोग भाग सके, नहीं तो सिरिन हेड आपको पकड़ लेगा और कच्चा खा जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, कार के टुकड़े यानी कि पार्ट्स को ढूंढते रहिएगा, ताकि आप लोग अपनी कार को रिपेयर करके वहाँ से बच करके निकल सके। अगर बात करूँ गेम के ग्राफिक्स की तो वो आप लोग को अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर जंगल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो लाइटिंग भी रहती है। साइज निकल करके आएगा 47 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। वीडियो का जो फोर्थ गेम है वो है द लास्ट रूम। ये एक बिल्कुल टिपिकल स्टाइल का हॉरर गेम है, जहाँ पर आप लोगों को डरावना एनवायरनमेंट मिलता है, चारों तरफ अंधेरा होता है और आप एक होटल रूम में फंस जाते हैं, जिससे आप लोगों को बच करके बाहर जाना होगा। यानी कि बिल्कुल सेम तरीका, मौका मिलने पे रूम से बाहर निकलिए, आसपास के एनवायरनमेंट से जरूरत के सामान कलेक्ट करिएगा। कई बार आप लोगों को हाइड एंड सीक यानी कि छुपना पड़ेगा, और मौका मिलते ही भाग जाइएगा। साइज निकल करके आएगा 144 MB और ये भी एक ऑफलाइन गेम है। और देखते ही देखते हम लोग आ पहुंचे वीडियो के बीच में, यानी कि फिफ्थ गेम की बात करें तो वो निकल करके आएगा हॉरर ब्रॉल। अभी तक की इस वीडियो में जितने भी गेम्स आप लोगों ने देखे हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप लोगों को डर तो लगेगा, डरावने साउंडट्रैक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बट एक मल्टीप्लेयर वे में। आप लोगों ने एक बड़ी पॉपुलर कैटेगरी का नाम सुना होगा, बैटल रॉयल। आप लोगों को यहाँ पर वही देखने के लिए मिलेगी, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में या फिर पूरी दुनिया में से कहीं पर भी कोई अपोनेंट आपको मिल जाएगा। अब उस पर विश्वास कर रहा है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, बट वो आपको मारने की जरूर सोच सकता है। गेम के साइज की अगर बात करूँ तो वो है 800 MB और ये एक ऑनलाइन गेम है। ऊपर से इसकी ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे वीडियो के सिक्स्थ गेम की, तो वो निकल करके आएगा नन अदर देन स्लेंडर द अराइवल। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये गेम ऑलरेडी PCs एंड कॉन्सोल्स पर आ चुका है, और वहाँ पर काफी तहलका मचाया था। बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड स्ट्रीमर्स ने इस गेम को प्ले किया एंड एंजॉय किया था। अब वक्त आ चुका है आप लोगों का, अपने छोटे से स्मार्टफोन को निकालो, इस गेम को डाउनलोड करो एंड एंजॉय करो। जैसा यार सिरिन हेड होता है, वैसा ही स्लेंडर मैन है। यहाँ पर भी एक डरावना कैरेक्टर मिलता है, जिससे आप लोगों को बच करके रहना होगा। अच्छी बात यह है गेम में अंधेरा भी आता है और दिन भी रहता है। ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, अच्छी ग्राफिक्स के साथ में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है। सिनेमैटिक्स भी देखने के लिए मिलता है, वो है 1.1 GB और ये गेम ऑफलाइन है। मैं आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूँ इस गेम को ट्राई करिए। इसी के साथ में वीडियो का जो सेवंथ गेम निकल करके आता है वो है स्केरी बैंडी एस्केप हॉरर गेम। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, ये एक एस्केप रूम टाइप का गेम है, जहाँ पर आप लोग कैद हो जाते हैं और वहाँ से आप लोग को बच करके निकलना है, नहीं तो वो डरावना सा बैंडी कैरेक्टर आएगा और आप लोग को मार करके चला जाएगा। इसलिए आप लोग को एक मैप देखने के लिए मिलता है, आसपास से कहीं ना कहीं से छोटे छोटे हिंट्स मिल जाते हैं। गेम के कंट्रोल्स को बड़ा ही आसान बनाया गया है,
बट जो साउंड ट्रैक है ना वो बड़ी खतरनाक है। गेम के अगर साइज की बात करूँ तो वो काफी छोटा है, 63 MB, और गेम ऑफलाइन है। और अब बात करते हैं वीडियो के 8th गेम की, जो बड़ा यूनिक सा है, माय मेमोरी ऑफ अस। अब जैसा मैंने पहले ही कह दिया, ये गेम आप लोगों को बड़ा ही यूनिक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्टोरी दिखाई जाती है फ्रेंडशिप की और प्यार की, पर एक बड़े ही डरावने समय के दौरान, जिसमें बीच बीच में एडवेंचर पर आप लोग जाते हैं, पजल सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगी, ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरनमेंट मिलेगा, और गेम 3D की बजाय 2D हो जाता है। बट बिल्कुल यूनिक मजा है। अगर आप लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हो जिसमें डर लगे, अच्छी स्टोरी मिले, कुछ कहानियां देखने के लिए मिले, तब इसको ट्राई कर सकते हो। साइज 52 MB के आसपास और गेम ऑफलाइन है। और इसी के साथ में चलिए बात करते हैं वीडियो के 9th गेम की, जो निकल करके आता है हडाल। गेम के बारे में बात करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक इंडियन हॉरर गेम है, खास तौर पर से एक मराठी इंडियन हॉरर गेम, जहां पर गेम की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। आप लोगों को डेली एक सपना आता है, जिस सपने के अंदर एक पिता, उसका 5 साल का बेटा और उसकी पत्नी तीनों मर जाते हैं। और फिर आप लोग जब उस घर में रहने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है यार ये घर बहुत हॉन्टेड है। अब इसकी असली सच्चाई क्या है, क्या कहानी है, उसको तलाश करने में आप लोग जुट जाएंगे। अब मुझे नहीं पता उसके बाद आप लोगों के साथ में क्या होगा, खुद ही पता लगाइए और वहाँ से बच करके निकलिए। सच में यार गेम की कहानी बड़ी डरावनी है। ग्राफिक्स डिसेंट लेवल के आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साइज रहेगा 120 MB एंड गेम ऑफलाइन है। और देखते ही देखते यार हम लोग आप पहुंचे वीडियो के 10th गेम की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को जल्दी से करके लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो बनाने का तरीका या कुछ मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो यार, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10th गेम निकल करके आता है आइसक्रीम 5 हॉरर गेम। अब इस गेम के बारे में बताने की क्या ही जरूरत है यार, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी और सीरीज को बिलोंग करता है, जिसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स आ चुके हैं। पिछले 2 पार्ट्स तो इन्होंने धनाधन लॉन्च किए थे। अब मुझे नहीं पता इनके डेवलपर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट यार बहुत जल्दी जल्दी ये लोग पार्ट्स निकाल रहे हैं। 5th पार्ट के अंदर भी वही स्टोरी कंटिन्यू होती है। एक आइसक्रीम वाला होता है, बच्चों को अगवा करके ले जाता है, फिर आप लोग एक हॉरर की दुनिया में घुसते हैं। यहाँ से बच करके निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। चारों तरफ पजल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक एडवेंचरस जर्नी मिलेगी, फ्रेंड्स बनाने होंगे और वो आपकी मदद करेंगे। गेम की साइज की अगर बात करूँ तो वो है 200 MB, और ये भी एक ऑफलाइन गेम है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी अलग अलग टाइप के हॉरर गेम्स आप लोगों तक पहुंचाऊं। याद रखिएगा, सभी के सभी गेम्स बिल्कुल नए हैं। और थोड़ा सा एफर्ट अगर पसंद आया हो तो मेरे दूसरे चैनल्स को भी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर भी इसी टाइप की फनी वीडियोस डालता हूं, कुछ पर पीसी गेमिंग की वीडियो डालता हूं, कुछ पर मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। देखते रहिए प्रोटेक, बाय बाय।